सो डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन के सेकेंड लेक्चर की। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम देखेंगे सेकेंड लेक्चर। सो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी लाइट के सोर्स की, लाइट के नेचर की, उसके बाद रिफ्लेक्शन की। अब फिर से देख लेते एक बार रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, इसको कहते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट किसी सर्फेस से स्ट्राइक होकर वापस उसी मीडियम में चली जाती है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे होता है इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई सरफेस है, ये एक प्लेन मिरर है और यहां पर ये पेंटेड पोर्शन है और ऊपर शाइनी सरफेस है। ये हमारी इंसिडेंट रे आई, दैट इज आवर इंसिडेंट रे। इस सरफेस से स्ट्राइक होने के बाद ये इंसिडेंट रे वापस जा रही है, दैट इज आवर रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब जिस पॉइंट पर ये स्ट्राइक हो रही है इसी पॉइंट पर यहां पर एक नॉर्मल बनता है। क्या बनता है बेटा? एक नॉर्मल बनता है, ठीक है, और ये नॉर्मल इस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो इससे रिगार्डिंग दो लॉ आए, ठीक है। पहला लॉ क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, पहला लॉ क्या कहता है, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन अ सेम प्लेन। ये एक सेम प्लेन पर लाई करते हैं। तो देखते हैं पहला लॉ कैसे फॉलो हो रहा है। देखिए ये है इंसिडेंट रे, ये आपकी इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस वन इज नॉर्मल। ये एक ही प्लेन पर लाई करते हैं, यानी कि प्लेन क्या है हमारा, ये मिरर, ये एक प्लेन पर लाई करते हैं, दैट इज द फर्स्ट लॉ। ये हमारा फर्स्ट लॉ है। इसका सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। तो कहां पर है भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस? तो बेटा इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, यानी कि द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, यहां पर बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको हम आई से दिखाते हैं, दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये कहां बनता है बेटा? रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, इनके बिटवीन में बनने वाला एंगल, ये हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल है। सो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। तो कभी भी कोई भी रिफ्लेक्शन हो रहा है तो इसका मतलब ये दोनों लॉ फॉलो होंगे, तभी हम रिफ्लेक्शन कहेंगे, अदरवाइज वो रिफ्लेक्शन नहीं है। इज दैट क्लियर? ओके, आगे देखते हैं बेटा। अब जब हम लोगों ने रिफ्लेक्शन की बात की है तो रिफ्लेक्शन के टाइप कितने होते हैं, हम बात कर लेते हैं रिफ्लेक्शन के टाइप की। तो दो तरीके के रिफ्लेक्शन होते हैं, फर्स्ट वन इज रेगुलर, सेकेंड वन इज इरेगुलर। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा दैट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है? तो देखिएगा, व्हेन अ बीम ऑफ पैरेलल लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन अ स्मूथ एंड द प्लेन सरफेस, द रिफ्लेक्टेड रे विल आल्सो बी पैरेलल। दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। Then it means, जब भी किसी प्लेन और स्मूथ सर्फेस पे इंसिडेंट रे आती है, तो जब इंसिडेंट रे आ रही है तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि इंसिडेंट रे पैरेलली आती है। इंसिडेंट रे कैसे आती है बेटा? पैरेलली आने वाली लाइट रे, इसको हम लोग इंसिडेंट रे कहते हैं। तो ये है हमारी इंसिडेंट रे, ये पैरेलली आ रही है, ओके? तो ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये पैरेलली आ रही है। ऑन स्ट्राइकिंग द स्मूथ एंड द प्लेन सर्फेस, एक स्मूथ और प्लेन सर्फेस से स्ट्राइक होने के बाद ये सेम एज पैरेलली जैसे आती है वैसे ही चली जाती है, यहां पर पैरेलली चली भी जा रही है। तो इस तरीके के रिफ्लेक्शन को हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं, यानी कि लाइट पैरेलली आ रही है और पैरेलली जा रही है। दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। और इस टाइप के रिफ्लेक्शन में लॉ दोनों फॉलो होते हैं, पहला इंसिडेंट रे आ रही है, रिफ्लेक्टेड रे जा रही है, और इनके बीच में जो नॉर्मल होगा, यहाँ पे नॉर्मल अभी शो नहीं हो रहा, मैं बताऊंगा नॉर्मल कहाँ है। तो ये सब एक सिंगल प्लेन पे लाई करते हैं। अब देखिएगा लाइट रे ए को देखिएगा, ये लाइट रे ए यहां तक आई, रिफ्लेक्ट होके यहां गई, दैट इज ए डैश। अब ये लाइट इंसिडेंट है और ये रे रिफ्लेक्टेड है, तो इनके इस पॉइंट पर,
यहां पर एक नॉर्मल बनता है, ठीक है बेटा, ये नॉर्मल की लाइन होगी और यहां पर बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और यहां बनेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और ये दोनों इक्वल होंगे। इसी टाइप से हर एक लाइन के साथ, लाइन बी, लाइन सी, लाइन डी, लाइन ई, सबके साथ ये रूल फॉलो होगा क्योंकि एक रेगुलर एक रिफ्लेक्शन है और दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। इज दैट क्लियर? ओके, इसके बाद आता है इररेगुलर रिफ्लेक्शन। इररेगुलर रिफ्लेक्शन क्या कहता है बच्चा, ध्यान देना। इररेगुलर रिफ्लेक्शन, व्हेन अ बीम ऑफ पैरेलल लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन अ रफ सरफेस द रिफ्लेक्टेड रे स्कैटर इन डिफरेंट डायरेक्शन, यानी कि स्कैटर हो रही है वो भी रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि इधर उधर चली जा रही है, इन अ प्रॉपर डायरेक्शन नहीं जा रही है। दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड इररेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इन्हें हम इररेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब आपको दिखाई दे रहा होगा ये इंसिडेंट रे आ रही है, ठीक है, यहां पर इंसिडेंट रे आपको आती हुई दिखाई दे रही है, ये हमारी इंसिडेंट रे, ठीक है। तो ये मान लेते हैं ए है, ये इंसिडेंट रे आई, ये इस सरफेस पर स्ट्राइक की और ये हमारी इंसिडेंट रे वापस जा रही है, दैट इज ए डैश, ठीक है, दैट इज ए डैश, ठीक है। तो पहला लॉ तो फॉलो हो रहा है कि ये एक ही प्लेन पर है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और यहाँ पे जो नॉर्मल बनेगा वो सब एक प्लेन पर है, ठीक है। अब दूसरा लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब जरा देखिएगा, ये सरफेस यहाँ पर कुछ टिल्टेड है, कुछ इस तरीके का सरफेस है, ध्यान दीजिएगा, कर्व्ड है लेकिन कुछ इस तरीके का सरफेस है। मैं इस सरफेस को बना के आपको समझाता हूँ, कुछ इस तरीके का सरफेस है, ध्यान दीजिएगा, ये हल्का सा टिल्ट है कुछ इस तरीके से, ये सरफेस कुछ इस तरीके का है क्योंकि टिल्टेड है, मुड़ा कर्व्ड है तो हम उसको प्लेन लेंगे इस तरीके से। तो एक लाइट रे अगर पैरेलली इस सरफेस पे आती है ऐसे, ठीक है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, अब पहले तो इस सरफेस का एक परपेंडिकुलर यानी कि नॉर्मल चाहिए, तो इस सरफेस का परपेंडिकुलर कुछ ये बनेगा, दैट इज आवर नॉर्मल, ये हो गया हमारा नॉर्मल। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा यहां बना और इतना ही सेम एंगल बनाते हुए लाइट हमारी रिफ्लेक्ट कर गई इस तरीके से, यानी कि दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहां पर आई जो होगा बेटा आर के इक्वल होगा, तो ये आई इंसिडेंट रे और ये आई रिफ्लेक्टेड रे। दूसरी लाइट रे की बात करते हैं, दैट इज द बी, और बी लाइट रे यहां से आ रही है, इस सरफेस पे स्ट्राइक कर रही है और यहां पर चली जा रही है, दैट इज बी डैश। अब जहां पर बी स्ट्राइक कर रही है उस सरफेस की बात कर लेते हैं, देखो वो सरफेस दो कर्व्ड के बीच में है, यानी कि यहां पर है, उसका पॉइंट कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है बेटा, उसका पॉइंट कुछ ऐसा सरफेस दिखाई दे रहा है यहां पर। तो इंसिडेंट रे आती है यहां पर, मैं इंसिडेंट रे को और किसी पर्टिकुलर एंगल पे बनाता हूं जैसा एक में, ओके, तो इंसिडेंट रे आ रही है कुछ इस तरीके से, ऑन स्ट्राइकिंग दिस सरफेस, पहले तो इस सरफेस का एक परपेंडिकुलर, तो ये सरफेस आपको दिख रहा है, ये सरफेस का परपेंडिकुलर क्या होगा, तो इस सरफेस का परपेंडिकुलर कुछ यहां बनेगा, दैट इज द नॉर्मल। तो ये नॉर्मल बना, यहां बने एंगल आई, तो इतना ही छोटा एंगल आर बनाते हुए लाइट रे इस तरीके से रिफ्लेक्ट करेगी, सो दैट इज एंगल आर। तो एक बार सरफेस कुछ इस तरीके से है, एक बार सरफेस कुछ इस तरीके से, तो अलग अलग सरफेस एक ही है लेकिन हर पॉइंट पर सरफेस का इंक्लिनेशन चेंज हो रहा है और कॉज ऑफ दिस इंक्लिनेशन रिफ्लेक्शन जो हो रहा है वो रेगुलर नहीं हो पा रहा, यानी कि लाइट रे आ तो पैरेलली रही है लेकिन पैरेलली जा नहीं पा रही है, क्यों, कॉज ऑफ दिस इंक्लिनेशन, और रफ सरफेस में ऐसे इंक्लिनेशन हमको दिखाई देते हैं, इसीलिए जो रिफ्लेक्टेड रे है हमारी वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है, तो जिसे हम कह रहे हैं कि लाइट स्कैटर हो रही है। तो इस तरीके के रिफ्लेक्शन को बेटा हम लोग कहते हैं इररेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इज दैट क्लियर? ओके, आगे देखते हैं बच्चा, आगे बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो बेटा कोई भी चीज जो लगभग लगभग लाइट रे को रिफ्लेक्ट करती है, कोई भी चीज जो लाइट को रिफ्लेक्ट करे दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिएगा ऑब्जेक्ट में क्या लिखा है, एनीथिंग विच गिव आउट लाइट रे इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, रिफ्लेक्ट करे या दे ऑब्जेक्ट हो गया, जस्ट लाइक बल्ब, कैंडल, आवर फेस, ट्री एटसेट्रा, सिंपल है। इमेज क्या होती है बेटा, इमेज एक ऑप्टिकल अपीयरेंस होता है, इमेज एक ऑप्टिकल अपीयरेंस होती है जो लाइट के रिफ्लेक्शन के बाद प्रोड्यूस होती है। तो क्या कह रहा है, इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए मिरर। देखो लाइट रे आ रही है कहां से, ऑब्जेक्ट से, और फिर वो मिरर से रिफ्लेक्ट हो रही है, सो वहां पर एक अपीयरेंस हमें दिखाई देगा, ऑप्टिकल अपीयरेंस, दैट ऑप्टिकल अपीयरेंस इज नोन एज द इमेज।
अब आगे क्या रहा है, When we look into the mirror, तो जब आप मिरर में देखते हैं, we see the image of our face, हमें अपना फेस दिखाई देता है, ठीक है? अब ये जो फेस हमें दिखाई देता है, ये बनता कैसे है? And image is formed when the light ray is coming from an object meet or appear to meet at a point after a reflection from the mirror, ठीक है? तो हम जब मिरर में अपना फेस देखते हैं, तो हमारा रिफ्लेक्शन मिरर में जाता है, वहां से रिफ्लेक्ट होकर किसी पॉइंट पर मीट होता हुआ अपीयर होता है, या तो मीट होगा या तो अपीयर होगा, ऐसा मीट हो रहा है, तो उस पॉइंट पर हमारी इमेज बनती है बच्चा, इज दैट क्लियर? उस पॉइंट पर हमारी इमेज बनती है, ओके? अब जब इमेज बनती है तो इमेज के भी टाइप होते हैं बेटा, दो टाइप होते हैं इमेज के, फर्स्ट वन इज द रियल इमेज एंड द सेकेंड वन इज द वर्चुअल इमेज। सबसे पहले बात करते हैं रियल इमेज की, तो ऐसी इमेज जो हमें स्क्रीन पर फाउंड होती है, ऑन ए सरफेस, ऑन ए स्क्रीन, उस टाइप के मिरर, उस टाइप की इमेज को हम लोग रियल इमेज कहते हैं। तो क्या कह रहा है, द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड द रियल इमेज, फॉर एग्जाम्पल इमेज फॉर्म्ड इन द सिनेमा स्क्रीन। तो नॉर्मली आप मूवीज देखते हैं तो सिनेमा की एक स्क्रीन होती है बड़ी सी, उस स्क्रीन पर हमें एक इमेज दिखाई देती है और वो इमेज रियल इमेज होती है, ओके? वर्चुअल इमेज, सो दिस टाइप ऑफ इमेज ओनली फॉर्म्ड इन द मिरर, सो द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज, जो स्क्रीन पर फाउंड नहीं होगी उसे वर्चुअल बोलेंगे। तो वर्चुअल इमेज कैन बी सीन ओनली बाय लुकिंग इनटू अ मिरर, वर्चुअल इमेज हमेशा मिरर में ही हमें मिल जाती है। वर्चुअल इमेज जस्ट इज एन एल्यूजन, ये हम एल्यूजन क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि यहां पर वर्चुअल की बात कर रहा है, यानी कि ये रियली में एग्जिस्ट नहीं करती बट एक अपीयरेंस को जनरेट करती है, इसलिए ये एक इल्यूजन माना जाता है, क्योंकि ये किसी स्क्रीन पर नहीं आती, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल द इमेज ऑफ आवर फेस इन अ प्लेन मिरर, ठीक है, दैट इमेज ऑफ आवर फेस इन अ प्लेन मिरर, ये एक वर्चुअल इमेज का एग्जाम्पल है। तो हम लोगों ने बात कर ली इमेज की, अब हम बात करेंगे कि इमेज का फॉर्मेशन होता कैसे। तो दो तरीके की इमेज के बारे में बात करेंगे, पहला पॉइंट ऑब्जेक्ट, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट, दूसरा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट। इसके इमेजेस बनती कैसे हैं बेटा, हम थोड़ा सा इस पे ध्यान देंगे, इज दैट क्लियर? आगे बात कर लेते हैं, देखिएगा। सो देखिएगा बेटा, अब हम बात कर लेते हैं इमेज के फॉर्मेशन की, ठीक है? तो इमेज का फॉर्मेशन हम देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर, फॉर्मेशन फॉर द पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बनता है, हम थोड़ा सा इसको ध्यान देते हैं, इज दैट क्लियर? आगे देखते हैं, देखिएगा, ये हमारा मिरर है, एम डैश लिखा है यहां, मैं यहां एम भी लिख देता हूं, दैट इज एम और एम डैश इज द मिरर, और ये सरफेस आपको दिखाई दे रहा होगा जहां पर ये लाइन्स निकली हुई है, दैट इज आवर पेंटेड सर्फेस, ठीक है, इसको हम पेंटेड सर्फेस बोलते हैं, और सामने वाला जहां प्लेन मिरर लिखा हुआ है, एरो दिख रही है, ये हमारा साइनी सरफेस होता है, ओके? और ये है हमारा ऑब्जेक्ट, यहाँ पर एट दिस पोजीशन दिस इज आवर ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट की इमेज हमें बनानी है, तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे इस ऑब्जेक्ट ओ से, ऑब्जेक्ट ओ से दो लाइट रे गई है, पहली लाइट रे ये है और दूसरी लाइट रे ये है, हमें इन दोनों लाइट रे को केवल फॉलो करना है। पहली लाइट रे यहाँ जाती है, पॉइंट ए पर स्ट्राइक करती है, पॉइंट ए पर स्ट्राइक करती है तो आपको दिखाई दे रहा होगा दैट इज आवर मिरर, और इसके परपेंडिकुलर ये हमारा नॉर्मल, ये लाइन नॉर्मल की है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल आई बन रहा है, लाइट हमारी रिफ्लेक्ट करेगी, एंगल आर बनेगा, और ये लाइट हमारी रिफ्लेक्ट हुई इस साइड से, ये हमारी लाइट रिफ्लेक्ट होके यहाँ आ गई। दूसरी लाइट रे, अच्छा अभी यहाँ पे एक चीज और देखेंगे, जो लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है, इसको हम बैकवर्ड द डायरेक्शन एक्सटेंड करते हैं, यानी कि बिहाइंड द मिरर हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, लाइट रे उधर जा नहीं रही है लेकिन हम उसको एक्सटेंड अपने मन से कर रहे हैं, तो हमने यहां पर इसको एक्सटेंड किया और आगे तक बढ़ा दिया इसको, ओके? नेक्स्ट लाइट रे ये ओबी, ओबी लाइट रे आई और बी पॉइंट पर स्ट्राइक की, और बी पॉइंट पर हमने एक नॉर्मल देख रहे हैं, यहां पर एंगल आई टू बन रहा है, और इसके बाद इसी के इक्वल एंगल बनेगा आर टू, तो लाइट रे यहां से रिफ्लेक्ट हो गई, ये था रिफ्लेक्शन लाइट, ये रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्लेक्ट होकर पॉइंट वाई पर आई। अब इस रे को भी हम क्या करते हैं, पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, यानी कि बिहाइंड द मिरर एक्सटेंड करते हैं। तो जब मैंने लाइट एक्स ए को एक्सटेंड किया तो वो एक्सटेंड हुई, जब लाइट वाई बी को एक्सटेंड किया तो हम देख रहे हैं कि लाइट एक्स ए, ये जो एक्सटेंडेड लाइट है, ये वाली लाइट रे, ठीक है,
ये वाली लाइट रे और ये वाली लाइट रे, इनको जब मैंने पीछे एक्सटेंड किया तो ये किसी पॉइंट आई पर मिलते हैं, इस पॉइंट पर ये इन्होंने क्या किया, मीट किया, तो इस पॉइंट पर हमारी क्या बन गई बेटा, इमेज बन गई, ठीक है, इस पॉइंट पर हमारी क्या बन गई, इमेज बन गई। तो ये जब रिफ्लेक्टेड रे को हम एक्सटेंड कर रहे हैं तो रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट पर मीट होती हुई अपीयर हो रही है या मीट हो रही है, एक्चुअल में ये रियली मीट नहीं हो रही है, ये अपीयर हो रही है कि यहां पर ये दोनों लाइट रे मीट करती, क्योंकि अगर हम देख रहे हैं कि ये रिफ्लेक्टेड रे अगर आ रही है तो ये पैरेलल नहीं है, तो बैकवर्ड द डायरेक्शन जब हम गए तो इनको ऐसा पता चला कि अगर ये लाइट रे यहां से आती तो सेम इनका यही पाथ होता। सो दीज रिफ्लेक्टेड लाइट रे आर अपीयर टू बी मीट एट अ पॉइंट आई, तो यहां पर अपीयर हो रही है और ये इमेज हमारी वर्चुअल बन जा रही है। तो इस तरीके से आप एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएंगे, इज दैट क्लियर, ओके। अब बात कर लेते हैं रिफ्लेक्टेड एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनती है देखिएगा, ध्यान दीजिएगा बच्चा, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनती है, तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की इमेज को बनाने के लिए ध्यान दीजिएगा, ये है हमारा प्लेन मिरर MM' और ये हमारा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट AB, ये बड़ा सा ऑब्जेक्ट है AB। अब आप पहले, अब हर पॉइंट से, पॉइंट ए और पॉइंट बी, हम दो पॉइंट लेते हैं, ये सबसे ऊपर वाला और ये सबसे नीचे वाला और बीच में हर जगह पॉइंट है। पहली लाइट रे एसी जा रही है, लाइट रे एसी जा रही है, ये सरफेस पे स्ट्राइक की, स्ट्राइक करने के बाद ये वापस बाउंस बैक होकर इसी सरफेस पे आ गई। अब तुम सोच रहे हो ये वापस बाउंस बैक इसी सरफेस पे क्यों आ गई, क्योंकि बेटा अगर आप एसी लाइट को देखेंगे, एसी लाइट इज परपेंडिकुलर टू द मिरर, और मिरर के परपेंडिकुलर कोई लाइट रे आती है तो वो वापस उसी पाथ पर चली जाती है। कैसे जाती है यहां मैं समझा देता हूं, देखिएगा ये हमारा मिरर है, ये हमारी लाइट रे यहां आई परपेंडिकुलरली, मान लीजिए ये हमारी लाइट रे आई परपेंडिकुलरली, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है बेटा, द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे, और नॉर्मल की लाइन क्या होती है, नॉर्मल भी परपेंडिकुलर होता है और इंसिडेंट रे भी हमारी परपेंडिकुलर है, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में कितने डिग्री का एंगल बना, जीरो डिग्री का। भाई जब हमारा नॉर्मल भी परपेंडिकुलर है, हमारी इंसिडेंट रे भी परपेंडिकुलर है, तो उन दोनों के बीच में एंगल कितना बना बेटा, जीरो डिग्री का एंगल। अब जब जीरो डिग्री का एंगल बन रहा है तो रिफ्लेक्शन का एंगल क्या होगा, जीरो डिग्री, तो यानी कि रिफ्लेक्टेड रे कैसे जाएगी, वापस उसी पाथ पर, यानी कि परपेंडिकुलर रे वापस चली जाएगी, इज दैट क्लियर। तो यहां पर जो लाइट एसी आ रही है ये वापस रिफ्लेक्ट होकर उसी पाथ पर चली जाएगी, लेकिन वापस रिफ्लेक्ट हो रही है, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है उसको हम एक्सटेंड करेंगे बिहाइंड द मिरर। तो यहां पर देखो हमने एक्सटेंड किया सी ए डैश, ठीक है, इसको एक्सटेंड और भी कर लेंगे। फिर पॉइंट ए से दूसरी लाइट रे आ रही है, दैट इज एडी, एडी लाइट रे यहां पर आई पॉइंट डी पर, यहां पर हमने एक नॉर्मल बनाया एन वन और एंगल आई, एंगल आर दिख रहा होगा इक्वल है। अब यहां इस लाइट रे को हमने रिफ्लेक्ट कर दिया, ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होके ऐसे गई। अब इस रिफ्लेक्टेड रे को हमने एक्सटेंड किया पीछे की तरफ और ये कहीं पर जाके पॉइंट ए डैश से मैच कर रही है, मतलब कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस पॉइंट पर इंटरसेक्शन हुआ, ये था टॉप मोस्ट पॉइंट, तो टॉप मोस्ट पॉइंट हमें मिल गया। अब हमें देखना है बॉटम पॉइंट। अब आते हैं पॉइंट बी पर, सेम एज पॉइंट बी से एक लाइट रे आई जो कि परपेंडिकुलर गई मिरर के, ऑन द सेम पाथ वो वापस आती है रिफ्लेक्ट होके, इसको एक्सटेंड करते हैं पॉइंट बी डैश तक या फिर और ज्यादा एक्सटेंड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरी लाइट रे बी जी, दूसरी लाइट रे बेटा बी जी, ये हमने बी जी दे दिया। अब बी जी लाइट रे जी पॉइंट पर रिफ्लेक्ट होने के बाद रिफ्लेक्ट हो रही है जी एच, तो ये था रिफ्लेक्टेड रे, यहां पर नॉर्मल दिख रहा है, एंगल आई दिख रहा है, एंगल आर दिख रहा है, तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है जी एच, इसको जब हमने एक्सटेंड किया बैकवर्ड द डायरेक्शन, ये पीछे की तरफ बढ़ा है और ये देखा कि ये जो हमारी एफ बी की लाइन थी उसको कट कर रही है पॉइंट बी पर, बी डैश पर, तो हमें एक पॉइंट यहां मिल गया और एक पॉइंट यहां मिल गया। तो हमने देखा कि हमें दो पॉइंट मिल गया, टॉप का पॉइंट मिल गया और बॉटम का पॉइंट मिल गया। अब हमने टॉप और बॉटम के पॉइंट को ज्वाइन कर दिया तो हमें यहां पर क्या मिल गया बेटा, इमेज, क्या मिल गई, इमेज मिल गई, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की इमेज बनाते हैं, क्लियर, इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की इमेज ड्रॉ करते हैं, क्लियर है, ओके। तो अगर हमने इमेज ड्रॉ कर ली, पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज ड्रॉ कर ली, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की इमेज ड्रॉ कर ली, तो इनके बारे में और क्या कहा जा सकता है कि इन इमेज के बारे की कुछ
प्रॉपर्टीज होगी इन इमेज की, उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, इनके बारे में जानते हैं। देखिएगा इनका जो बेसिक नेचर होगा, देखिएगा यहां पे द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज वर्चुअल, वर्चुअल होगी यानी कि रियल नहीं होगी क्योंकि मिरर पे ये इस पे कोई स्क्रीन नहीं है। अब जरा देखिएगा, मैंने कहा वर्चुअल इमेज स्क्रीन पर फाइंड नहीं होती। अब ये जो इमेज है बेटा, ध्यान दीजिएगा, ये जो इमेज मिल रही है ए, क्या हमको ये मिरर पर मिल रही है कि मिरर के अंदर मिल रही है? तो अगर आप इस पॉइंट को देखेंगे तो ए मिरर का पॉइंट है ही नहीं, मिरर के अंदर कहीं पॉइंट है। मिरर तो पतला सा होता है, तो मिरर के अंदर हम कितना जाएंगे, क्योंकि वो तो पतला सा है तो उसके अंदर हम जा नहीं सकते। तो इसका मतलब यहां पर जो लाइट रे मीट कर रही है वो अपीयर हो रही है, और ये एक रियल स्क्रीन नहीं है। यहां पर जो हमें मिल रही है इमेज, ये ऑन स्क्रीन नहीं मिल रही है, ये अपीयर हो रही है, यहां पर मिल रही है, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे कि ये हमारी एक वर्चुअल इमेज है क्योंकि ये स्क्रीन पर फाउंड नहीं हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट, एंड द इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब जैसे सीधी ऑब्जेक्ट है वैसा ही सीधा इमेज भी है, यानी कि सीधी सीधी बनना। एंड द सेम साइज इज इक्वल टू द साइज ऑफ, सॉरी एंड द सेम साइज, यानी कि साइज जो है वो ऑब्जेक्ट के इक्वल है। तो आप देखेंगे कि इमेज की हाइट, इमेज की साइज जो है वो ऑब्जेक्ट की साइज के इक्वल हो, चाहे वो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो या फिर वो पॉइंट ऑब्जेक्ट हो। नेक्स्ट आगे कह रहा है, द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एट द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अब ये जो इमेजेस बनेंगी ये एज अ सेम डिस्टेंस बनेंगी। सेम डिस्टेंस का मतलब बेटा एकदम डिस्टेंस इनकी जो होगी वो सिमिलर होगी। जैसे एसी की जो डिस्टेंस आएगी डी, यहां से यहां तक, यही सेम डिस्टेंस यहां पर आएगी डी डैश, यानी कि ए डैश और सी के बीच, यानी कि मिरर से जितना इन फ्रंट ऑब्जेक्ट होगा मिरर के उतने ही अंदर हमें इमेज अपीयर होगी। इज दैट क्लियर? तो ये डिस्टेंसेस सेम होंगी। अच्छा, इसमें और क्या होगा प्रॉपर्टीज, जिस कलर का ऑब्जेक्ट होगा उसी कलर की इमेज होगी, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। इज दैट क्लियर? तो हमारी बन गई बेटा इमेज इस तरीके से। अब जब इमेज बनती है तो वहां एक फेनोमेना होता है, दैट इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। अब ये लेटरल इन्वर्जन क्या होता है आइए समझते हैं हम लोग। देखिएगा बेटा, बात कर रहे हैं हम लोग लेटरल इन्वर्जन की। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? लेटरल इन्वर्जन में हम लोग कहते हैं कि जब राइट साइड लेफ्ट साइड इज अपीयर होती है तो हम उसे कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। एक सिंपल सी बात समझिएगा, लेटरल इन्वर्जन में अ राइट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर टू बिकम द लेफ्ट साइड ऑफ इमेज एंड वाइस वर्सा, यानी कि राइट को लेफ्ट अपीयर करना और लेफ्ट को राइट अपीयर करना। जब इस तरीके का फेनोमेना बनता है, जब हम इमेज देखते हैं तो इस तरीके का फेनोमेना होता है, तो इस फेनोमेना को हम लोग बोल देते हैं लेटरल इन्वर्जन। सो दिस चेंज ऑफ साइड इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। द फेनोमेना ऑफ लेटरल इन्वर्जन इज ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन, लेटरल इन्वर्जन रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। तो ये जो हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है इसकी वजह से लेटरल इन्वर्जन हो रहा है। तो हमारा राइट साइड लेफ्ट अपीयर होता है और लेफ्ट साइड राइट अपीयर होता है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे सिंपल सा एक एग्जांपल मैं यहां समझाता हूं, देखिएगा। हाँ, जैसे मान लीजिए ये एक मिरर है, अगर आप यहां कोई लेटर लिखते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कोई लेटर लिखा सी, तो जब ये कैरेक्टर सी, ये लेटर सी जब आप इस मिरर में देखेंगे तो ये इन्वर्टेड यानी कि लेटरली इन्वर्टेड दिखाई देगा, यानी कि उल्टा दिखाई देगा। अब वर्टिकली उल्टा नहीं, लेटरली यानी कि साइड बेस पे उल्टा दिखाई देगा। तो ये सी लेटर कुछ ऐसे दिखाई देगा आपको मिरर के अंदर, ठीक है बेटा। तो इसको ही हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन, यानी कि ये सी का राइट साइड है तो इमेज में ये पॉइंट सी का क्या बन जाएगा, लेफ्ट साइड बन जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। तो जब हम राइट हैंड उठाते हैं तो मिरर हमारी तरफ फेस होता है, तो उसमें जो इमेज बनेगी उसका फेस हमारी तरफ होगा, तो वो एक्चुअल में अपना लेफ्ट हैंड उठाता हुआ अपीयर होगा। इज दैट क्लियर? अब फिर से हम देखते हैं, जब हमने लेटरल इन्वर्जन को देख लिया तो फिर से एक बार बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की, किसकी, इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स की। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इमेज की फॉर्म इन अ प्लेन मिरर? तो प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होती है उसकी क्या क्या, द इमेज इज फॉर्म्ड इज इरेक्ट, यानी कि इमेज सीधी होती है। सीधी का मतलब अगर ये सीधा है तो वो भी सीधा होगा, मतलब उल्टी नहीं होती है, इमेज सीधी होती है, ठीक है। नेक्स्ट, द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब राइट साइड लेफ्ट बन जाता है और लेफ्ट राइट साइड बन जाता है। नेक्स्ट, द इमेज इज ऑन द सेम साइज
दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इमेज की साइज ऑब्जेक्ट की साइज के इक्वल होगी। द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, जो हम लोगों ने यहां बात की, द राइट साइड अपीयर टू बी लेफ्ट एंड द लेफ्ट साइड अपीयर टू बी राइट, ये ऊपर हम लोग देख चुके हैं। द इमेज फॉर्म इज एज फॉर बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट, मिरर के अंदर इमेज उतनी ही अंदर बनेगी जितनी बाहर उसके ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि डिस्टेंस दोनों का सेम होगा। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर, यानी कि बिहाइंड द मिरर ये इक्वल होगा बेटा, ठीक है, इज दैट क्लियर। तो फिलहाल आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही देख रहे हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अब आप एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग कि आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या देखा, थोड़ा सा इसको क्विक रिविजन करते हैं। देखिएगा व्हाट इज दिस, ओके। तो सबसे पहले हमने बात की रिफ्लेक्शन की, रिफ्लेक्शन से रिलेटेड हमारे पास दो लॉ आते हैं बेटा, उसको हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इसके बाद रेगुलर रिफ्लेक्शन, यहां पे आप देख रहे होंगे, तो यहां पे हम लोगों ने बात की रेगुलर रिफ्लेक्शन की, रेगुलर रिफ्लेक्शन इररेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है इसको हम लोगों ने देखा। इसके बाद बात की हम लोगों ने ऑब्जेक्ट की, इमेज की। अब इमेज दो टाइप की होती है, रियल इमेज वर्चुअल इमेज, इसको हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम लोगों ने बात की इमेज के फॉर्मेशन की, फॉर अ पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड फॉर ए एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। अब ये जो इमेज बनती है इनकी प्रॉपर्टीज कुछ है, लेटरल इन्वर्जन क्या होता है इसको हम लोगों ने देखा। फिर फाइनली एक बार फिर से हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली और इमेज की जो एक प्लेन मिरर में हमारी बनती है। इसके बाद की चीजें बेटा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ओके। तब तक आप लोग मन लगाइए, पढ़िए, ओके, बाय बाय।